तो हम बात करेंगे गूगल शीट में डेटा सिलेक्शन। जब भी हम एक्सेल को भी ट्रेनिंग देते हैं तो एक्सेल में भी हमारी जो पहली टॉपिक होती है वो होती है डेटा सिलेक्शन। क्योंकि जब तक डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी तरह का वर्क नहीं कर सकते, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो कॉपी पेस्ट हो, फिल्टर हो, एनीथिंग। अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेक्शन रिक्वायर है। तो हम कैसे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, चलिए हम बात आज की इस क्लास में। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल में, जहां बात करेंगे आपके साथ गूगल शीट के बारे में। हमने 5000 से ऊपर वीडियो एक्सेल वीवी एक्सेस की बनाई हुई है। अब मैं स्टार्ट किया हूं ट्यूटोरियल गूगल शीट्स की। इसकी कंप्लीट सीरीज के लिए आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो डेटा है, अब बात करेंगे डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे। अगर माउस से सिलेक्शन करते हैं तो क्लिक करते हुए होल्ड रखते हुए अब अपने माउस को ड्रैग कीजिए, ओवर कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आपकी डेटा सिलेक्ट होते हुए आएगी। लेकिन जब माउस से सिलेक्शन कर रहे हैं तो ड्रैग करते हुए नीचे आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उससे अच्छा है कि आप सबसे ऊपर सेलेक्ट करें और सबसे लास्ट में जाएं और यहाँ पे शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कर दें। जैसे शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा। हाँ, यहाँ पे आप कंट्रोल ए जैसे कमांड भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर जो कीबोर्ड के साथ यूज करते हैं शिफ्ट के साथ जो हम एरो के लेके जाते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंट्रोल ए भी इस पर यूज किया जा सकता है सिलेक्ट ऑल के लिए, बट कंट्रोल ए अगर अभी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में कोई ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए। और यहाँ ब्लैंक रो इंसर्ट करने के लिए राइट क्लिक, इंसर्ट, अबव पे क्लिक कीजिए, एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरी जो सिलेक्शन है जस्ट लाइक एक्सेल, जो ब्लैंक रो है उससे ऊपर हुआ, नीचे नहीं हुआ। नीचे के लिए आपको मैनुअली सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर आपके डेटा में अगर कोई ब्लैंक रो है तो इसका ध्यान रखिए सिलेक्शन में कि आपकी मैनुअल सिलेक्शन होनी चाहिए। कंट्रोल है उसको कंसीडर नहीं करेगा, सिर्फ ऊपर तक का कंसीडर करेगा, नीचे का कंसीडर नहीं करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम कि वो कर्सर को मूव करने के, जैसे मैं सबसे लास्ट में जाना चाहता हूँ तो आप ऐसे माउस स्क्रॉल करके जा ही सकते हैं या अपने एरो की से नीचे जा सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप जो है कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिए, सबसे नीचे आ जाएगा। राइट एरो सबसे लास्ट में, अप एरो ऊपर। तो आप इस तरह से लेफ्ट राइट डाउन एरो प्रेस करेंगे कंट्रोल को होल्ड रखते हुए तो आपका कर्सर सबसे लास्ट में जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर बीच में कहीं ब्लैंक है तो आपका कर्सर वहीं पे रुक जाएगा। अब मेरा बीच में ब्लैंक है, मुझे सबसे लास्ट बीच के कई सारी जगहों पे ब्लैंक है और मुझे सबसे लास्ट में जाना है। ऊपर यह एड्रेस बार दिख रहा होगा जिसमें 812 लिखा हुआ है। अब इस 812 के जगह पे आप जैसे ए, आपको पता है कि डेटा ना 20,000 तक है या 50,000 तक का है, तो मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ उस हिसाब से। तो मेरा जो कर्सर है एंटर प्रेस करते ही 1000 पे चला जाएगा। अब यहाँ से मैं कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करूंगा तो सबसे ऊपर पहुंच जाऊंगा। मैंने सबसे ऊपर पहुंच गया। इस तरह की इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरा, अगर मैं इसमें अगर शिफ्ट के साथ एंड करूं या होम करूं तो ऐसे फीचर इसमें नहीं है। एक्सेल में है कि आप शिफ्ट के साथ होम कर कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम, यहाँ पे शिफ्ट के साथ होल होम करते हैं तो सबसे होम पे पहुंच जाते हैं, कि कंट्रोल के साथ करेंगे तो भी पहुंचेंगे। तो एक्सेल में होता था शिफ्ट के साथ, बट गूगल शीट में आपको जैसे यहाँ पर है मुझे सबसे ऊपर जाना है तो आप कंट्रोल के साथ होम पे जाइए, पहुंच जाइएगा। देखिए सिर्फ होम देखिए सिर्फ होम करेंगे तो आपको जो है स्टार्टिंग में पहुंचेंगे, और कंट्रोल शिफ्ट होम करते हैं जहां कर्सर है उससे ऊपर का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। एक्सेल में होता है, गूगल शीट में ऐसा नहीं होता है। गूगल शीट में सिर्फ कर्सर को मूव किया जा सकता है। ये कंट्रोल एक ऑप्शन था हमारा। उसके बाद मल्टी सेल सिलेक्शन है, जैसे मान लीजिए मुझे कई सारे सेल को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल को होल्ड रखते हुए कई सारे सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आप उसको कॉपी करेंगे तो कोई एक सेल ही कॉपी होगा, पूरा का पूरा सेल आपका कॉपी नहीं होगा। इसमें मैंने यहाँ पे पेस्ट किया,
एक सेल ही पेस्ट हुआ, बाकी एरिया हमारा पेस्ट नहीं हुआ, लेकिन सीक्वेंस में है, जैसे कि इस तरह से। अब मैं कॉपी करूंगा तो सारा सब कॉपी हुआ। तो सीक्वेंस मेंटेन है तो आपका जो भी सिलेक्टेड है कॉपी होगा, लेकिन ध्यान रखिए जैसे मैंने ए से हमने सी को सिलेक्ट किया, ई को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे जी को सिलेक्ट कर लिया, और नीचे हमने वापस जो है डायरेक्ट को सिलेक्ट, सिक्स को सिलेक्ट किया, अब कॉपी नहीं होगा। तो हमें क्या है कि जैसे ऊपर जितनी कॉलम सिलेक्ट है तो नीचे भी उतनी कॉलम सिलेक्ट होनी चाहिए, हर रो हर कॉलम सेम सिलेक्शन होगी तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो हमने कॉपी किया, अब कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से कई सारे शीट्स हैं तो आप शीट के साथ लास्ट में क्लिक करेंगे तो कंट्रोल के साथ, सॉरी माफ कीजिएगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी सिलेक्शन मेथड, लेकिन सिलेक्शन मेथड एक्सेल की सिलेक्शन से बहुत डिफरेंट है, कुछ चीजें सही है और कुछ चीजें जो है डिफरेंट है, तो इसका ध्यान आप रखिएगा। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।